हर एक चीज बाजारों लभदी ते नहीं लभदियां मावां। आज मेरी अम्मी की बरसी है, उनको गए हुए हमारे पास से 6 साल हो गए। तो पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगी कि उनके लिए दुआ कर लें और फिर मैं आपके साथ अपनी यादें शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी नानी फौत हो गई मेरी अम्मी के जब कुछ महीने की थी, तो अम्मी, लेकिन अम्मी की अपनी वालदा तो नहीं थी, उसके बावजूद अम्मी बहुत सारे और लोगों की भी माओ की तरह थी और बहुत शौक़ से और प्यार से ना छोटे बच्चों को हैंडल करती थी और पालती थी। तो आप सोच सकते हैं कि फिर उन्होंने हमारे बच्चों को कैसे हैंडल किया होगा और कितने प्यार से हर चीज़ उनकी करती थी, हर चीज़ दलिए से ले के खिचड़ियाँ क्या कुछ हमारे घर में रोज़ बन रहा होता था मेरी अम्मी के घर में हम लोगों के बच्चों के लिए। तो मैंने ये घर जिसमें मैं रहती हूँ ये मेरी अम्मी का है, और जिस समय मैं इस लॉन को देखती हूँ यहाँ बैठ के अम्मी डैडी चाय पीते थे, तलावत करती थी। अम्मी को जो भी टाइम उनके आखिरी सालों में मिलता था ना वो कुरान पढ़ रही होती थी मोस्टली। ज़िंदगी अम्मी की अगर मैं नज़र दौड़ाऊँ तो हमारी अम्मी हमारी सहेली थी, हमारी दोस्त थी, बहुत बहुत हमारे साथ फ्रेंडली उनका रिलेशनशिप था और बहुत लाइटर साइड पे अम्मी का था बातचीत करने का स्टाइल और सब कुछ। मज़े की बातें करती थी, फ़नी थी, विट जो हम लोगों में बहनों में नज़र आता है वो इनहेरिटेड हमारी मदर से है शायद। मुझे याद है एक डॉक्टर ज़ेबा है हमारी बहुत अच्छी, हम तो सारे बच्चों की वही डॉक्टर है। तो एक दफ़ा मम्मी को कहने लगी भाभी आपकी बेटियाँ बहुत प्यारी हैं, किस पर गई हैं? तो अम्मी ने कहा मेरे अखलाक पे। वाकई मेरी अम्मी का अखलाक बहुत अच्छा था। और एक कहते हैं ना ईगो होना या मुकाबला किसी से करना या कंपटीशन में आना, ये इन चीज़ों का अम्मी को पता ही नहीं था। बातचीत में गुफ्तगू करने में वो कभी किसी से जीतने की कोशिश नहीं करती थी कि किसी से कंपटीशन नहीं करती थी, कोई ईगो नहीं थी। और हम बहनों में भी इसीलिए ईगो नहीं है क्योंकि हमने अपनी अम्मी को इस तरह से देखा है। तो हमारे बच्चों के साथ भी अम्मी इसी तरह से उनका रिलेशनशिप था, बहुत फ्रेंडली और बहुत अच्छा। अपने दामादों के साथ भी हम लोग कभी अगर अपनी कोई ससुराल की बात करते थे तो अम्मी हमेशा हमारे ससुराल की साथी बन जाती थी, उनकी बात सही। शादी हुई तो मेरे घर में जग टूट गया,
मैंने अम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा अम्मी मेरा तो जैक जैक टूट गया है। तो अम्मी मुझे कहती हैं बेटा तेरा नहीं मेरा जैक टूटा, क्योंकि जो चीज़ भी हमारी टूटती है ख़राब होती थी ना वो अम्मी बेचारी को ही रिप्लेस करके देनी पड़ती थी। फिर हम लोगों के जो डैडी थे ना बड़े, हमारे फादर बड़े सोफिस्टिकेटेड थे, छुरी कांटे से खाना खाते थे और बहुत मेरी अम्मी बहुत सादा थी, तो वो जब डाइनिंग टेबल पे डैडी के साथ बैठ के खाना खाती थी ना तो डैडी कांटे से छुरी से खाना खा रहे होते थे, तो अम्मी वैसे खाती थी। फिर किचन में जाके ना अपने स्टाइल में हाथ से चावल खा के कहती थी बस बेटा ताहिर के साथ तो खाना नहीं खाया जा सकता, तो आखिर में वो अपने स्टाइल से ही खाना लेती होती थी। फिर मुझे याद है हम लोग अक्सर हमारी फ्रेंड्स एक दफ़ा इकट्ठी हुई हम लोग जैसे इकट्ठे होते थे तो हम क्योंकि 5 बहनें थी तो जिस किसी की पोस्टिंग हो जाती थी, कोई घर चेंज कर रहा होता था कुछ, तो उनकी बेटियां हमारे घर रहती होती थी। तो बहुत सारी हैं जो वीडियो देख रही होंगी तो रिलेट कर सकती होंगी कि वो सब हमारे घर कभी ना कभी शिफ्टिंग के डेज़ में ठहरी होती थी। तो मुझे एक दिन मेरी बहनें हम लोग बात कर रहे कि हमारे फादर ने हमें ये सिखाया, हम ये सब इस तरह करते हैं, हमारी तरबियत डैडी ने ऐसे की, इस तरह बताया। मेरी अम्मी सुनती रही चुप करके, फिर आखिर में कहती हैं कि हाँ बेटा जब इनकी तरबियत वो कर रहे थे ना तो मैं घर पे नहीं थी, मैं कहीं गई हुई थी। सलीके से चलती रही हमारे घर में, जब सर्दियाँ शुरू होती थीं तो बेसन की टिक्कियाँ बनती थीं, बहुत सारी चीज़ें मैंने हमेशा अम्मी को घर में बनाते हुए देखा। केचप बाज़ार से ख़रीदते हमें नहीं पता था, घर में बनती होती थी। तो सर्दी गर्मी के डिफरेंट पकवान और डिफरेंट चीज़ें हमारे डाइनिंग टेबल के सेंटर में आ जाती थी। और ये नहीं कि अम्मी सोशल नहीं थी, बहुत सहेलियाँ थी अम्मी की। और मेरी प्यारी आंटियां जो भी मुझे देख रही हैं, मैं अम्मी सबको बहुत अच्छी तरह याद करती थी। और सुबह के वक्त अम्मी को ये होता था जैसे सुबह हुई तो अम्मी ने एक तो हमारे इर्द गिर्द से जो भी हमारे पुराने काम वाले जो चले गए होते थे वो भी आ जाते थे, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं। कभी अम्मी किचन में इतना ज़्यादा जाके नहीं, जो आता था खाता पीता था। फिर अम्मी का सुबह का टाइम होता था 9 बजे तक सुबह सब खाना वाना बन जाता था और अम्मी फ़ोन पे सब अपनी कभी सहेलियों से, मेरी मामी उनसे लंबी बात करती थी फ़ोन पे, तो सबसे कनेक्ट करती होती थी। अच्छा उनको कभी ये नहीं होता था फलाने तो मुझे फ़ोन नहीं किया इतने दिन से, जो याद आता था उसको कॉल करती थी और बात करती होती थी। तो छोटी छोटी बहुत सारी अम्मी की इसी तरह यादें हैं जिसमें बार बार मुझे यही जब बहुत सोचती हूँ तो ख्याल आता है किसी चीज़ में भी अम्मी की ईगो शामिल नहीं थी, अना नहीं थी। खैर मैं बात कर रही थी जब हम बड़े हुए और हमारी शादियों का टाइम आया तो मैंने देखा कि कितना कुछ तो अम्मी ने जमा करके रखा हुआ था। हमारी ट्रेडिशनल स्टाइल में शादियाँ हुई हम पाँचों की, घर में इलेक्ट्रॉनिक से ले कर सुई तक हर चीज़ अम्मी ने दी। और अच्छी ये भी मतलब कि जो उस टाइम की सबसे बेस्ट चीज़ होती थी वो हमें दी गई। और उसके बाद बहुत तरीके से लीके से जो ससुराल को गिफ्ट्स जाते हैं, चीज़ें जाती हैं। मैं अभी पिछले दिनों जो शादी थी मैं बता रही थी कि मेरी अम्मी ने जो तोहफे जो ससुराल को जाते थे ना वो जिस रंग का सूट था उस रंग का लॉन का कपड़ा डाई करके उसके इर्द गिर्द गोटा लगवाती थी और वो बहुत अच्छे तरीके से पैक करके भेजती थी। हमारे ससुरालों में हर एक से अम्मी ने हमेशा रिश्ता रखा। अभी पिछले दिनों मैं अपनी बहन की सास के साथ बैठी बात कर रही थी तो मैंने उनसे कहा कि हमारे समधी बहुत अच्छे हैं, तो आंटी ने कहा कि मेरे भी समधी बहुत अच्छे थे। तो बहुत खुशी हुई सुन के जब मेरे माँ बाप को सब इस तरह से याद करते हैं। 5 बेटियों की माँ
सब कुछ कर रही थी, सोशल भी थी और घर का भी सब देखती थी। हम पांचों बहनों के कपड़े इस तरह के होते थे कि लोग हम लोगों से डिज़ाइंस लेते थे, पूछते थे, और वो सब कपड़े मेरी अम्मी सीती थी। मेरी जो कज़न्स हैं ना, जो मेरे मामू के बच्चे हैं, उनका अक्सर अम्मी कहती हैं कि जब वो शाम को पार्क खेलने के लिए जाते थे तो मैं उनको रोज़ एक नया फ्रॉक बना के पहनाती होती थी। तो इसी तरह हम सब के जो कपड़े थे ना, मेरे फादर जब अमेरिका जाते होते थे अक्सर जो जेसी पैनी की कैटलॉग बुक्स लाते थे तो उसमें जो डिज़ाइंस होते थे बच्चों के फ्रॉक्स के और ड्रेसेस के, वो अम्मी खुद सीती थी। मेरी अम्मी पटापटी का गरारा, हैदराबादी, जो असली हैदराबादी होता है, जो डबल लेयर्ड होता है, जिसकी कलियाँ होती हैं बहुत सारी, वो अम्मी खुद बनाती थी। लहंगे, गरारे, मेरे चचा जो अमेरिका में होते हैं, उनकी शादी पे हम पांचों बहनें थी, हम पांचों के कपड़े चार चार दिन के अम्मी ने खुद बनाए हुए थे। और ट्विनिंग भी होती थी कभी कभार, हम दो बहनों के एक जैसे, दो के एक जैसे, मेरे और अम्मी के बहुत कपड़े एक जैसे होते थे। तो ख़ुद भी बहुत अच्छा खुश लिबास थी, बहुत शौक़ से कपड़े बनाती थी और पहनती थी। काश मैं हाफ आधी भी कभी ज़िंदगी में बन जाऊँ ना उन जैसी, तो मुझे लगेगा कि अच्छी ज़िंदगी गुजारी मैंने। ये मेरे माँ बाप की और मेरी अम्मी की ही तरबियत है कि हम पांच बहनें हैं और हम पांचों एक मुट्ठी की तरह हैं। हमारे मियाँ भी आपस में एक दूसरे के साथ क्लोज़ हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हमारे बच्चे आजकल के ज़माने में, जब लोग बच्चे एक दूसरे, सगे बहन भाई भी एक घर में जब बड़े हो जाते हैं शादियों के बाद, तो सोचते हैं कि ना रहें। हमारे बच्चे अमेरिका में एक साथ एक घर में रहते रहे एक साल, मेरे बच्चे, मेरी दोनों छोटी बहनों के बच्चे। तो ये मेरी माँ बाप की तरबियत का हिस्सा है। और हम सबके माँ बाप बहुत कीमती हैं। आप सब लोग जो देख रहे हैं ना, अपनी अम्मियों के साथ बहुत सारा टाइम गुजारे, क्योंकि हर रिश्ता मिल जाता है, माँ नहीं मिलती। दिल की बात आज भी मैं जब सोचती हूँ ना, मैं किससे कहूँ जो मैं बहुत बहुत दिल के अंदर की बात, हम सबको सिर्फ अपनी अम्मी से ही कहने का मजा आता है। अल्लाह ताला हम सबके माँ बाप को जो है इस दुनिया में उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, और जो हमें छोड़ के चले गए उनके दर्जात बुलंद कर। आमीन।